हेलो एवरीवन, मेरा नाम राज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ज़्यादा करके लोग एसी वाले फ्लाइट जो है ना बहुत ही पसंद करता है कि घर से अगर हम बाहर की तरफ देखें तो कुछ एसी वाले व्यू मिले, चाहे वो सिटी का व्यू मिले, चाहे वो माउंटेन का व्यू मिले। और स्टेशन से ये प्रॉपर्टी मात्र 5 to 7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में। आज मैं आपको दिखाऊंगा शानदार सा 1 BHK ओपन टेरेस फ्लैट। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउन पेमेंट, EMI, कौन सा सिटी है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आप सभी लोग को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको 1 BHK का फ्लैट दिखाऊंगा वो रहेगा आपका 650 स्क्वायर फीट का 1 BHK। सबसे पहले आपको मिल जाएगा लिविंग का साइज़ भी बहुत ही अच्छा रहेगा और बिल्कुल रेडी पोजिशन है। G+4 का टाउनशिप प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द बिगेस्ट टाउनशिप में ही है ये फ्लैट। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा लिविंग का साइज़ मैं आपको गिन के बता देता हूँ, बाकी मैंने आपको बिल्टअप एरिया बता दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 14 फीट 4 इंच के आसपास, ये लंबाई में आपका 14 फीट 4 इंच के आसपास है। और ऐसे में आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट 9.5 फीट के आसपास ऐसे मिलेगा, और ऐसे में आपको 14 फीट 4 इंच के आसपास आपको मिल जाएगा। फ्लैट का कलर हम पजेशन के वक्त आपको एक बार और कलर करके दे देंगे दोस्तों। अगर इस तरफ देखेंगे तो फ्रेंच विंडो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और जहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और आप देख सकते हो ये आपका ओपन टेरेस रहेगा। ये जो फ्लैट है ये आपको 7th वाला फ्लोर पे मिल जाएगा। जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअल यही बेचना है और यही मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका मन में कोई भी डाउट ना रहे। इसका भी साइज़ आप देख सकते हो, अप्रोक्स ये 9.5 फीट के आसपास ये लंबाई है, और ऐसे में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा 3 फीट 3 न 3 6 फीट के आसपास ऐसे मिलेगा, और लंबाई में ये 9.5 फीट के आसपास मिल जाएगा। व्यू आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपका व्यू रहेगा, बाहर का व्यू आप देख सकते हो। आसपास में काफ़ी सारे बड़े बड़े सोसाइटी यहाँ पर बन रहे हैं और बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है यहाँ पर। प्रॉपर्टी 200-150 का आसपास बिल्डर काम कर रहे हैं इस वाले सिटी में, तो देर मत कीजिए। अगर आपको एफोर्डेबल प्राइस में टेरेस फ्लैट देख रहे हो, माउंटेन व्यू वाला फ्लैट, सिटी व्यू वाला फ्लैट, नियर बाय स्टेशन चाहिए, रेडी पोजिशन चाहिए, एमिनिटीज़ में भी आपको अगर स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, सीनियर सिटीजन के एरिया, चिल्ड्रेन के एरिया, वो सारी एमिनिटीज़ चाहिए तो आप इस वाले प्रॉपर्टी पर विजिट कर सकते हो। 1 BHK ओपन टेरेस फ्लैट यहाँ पर आपको मिल जाएगा एफोर्डेबल प्राइस में। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन आप देख लीजिए, किचन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। किचन का साइज़ बहुत ही बिग साइज़ के यहाँ पर दिए गए हैं। साइज़ में आपको गिन के बताते तो कितना एरिया आपको मिल रहा है प्लेटफॉर्म छोड़ के यूज़ करने के लिए। 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट का आसपास ये लंबाई में आपका किचन है, और ऐसे में आपको मिलेगा 1, 2, 3 यानी कि 6 फीट का आसपास ऐसे मिलेगा, ऐसे में आपको लंबाई में 9 फीट का आसपास आपको दिए गए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, सामान देके आप लोगों को पता चल भी गया होगा, ये फ्लैट है आपका रीसेल फ्लैट है, ये ब्रांड न्यू बिल्डर का फ्लैट नहीं है, ये रीसेल फ्लैट है। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे ब्लैक मार्बल का यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, स्टेनलेस स्टील का आपको सिंक मिल जाएगा, पानी आपको ग्राम पंचायत कनेक्शन, पीने का पानी आपको दिए जाएंगे। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको सीलिंग लेवल तक टाइल्स लगाकर दिए गए हैं। एडजस्टमेंट के लिए ऊपर आपको स्पेस दिए गए हैं, पावर पॉइंट आपको नीचे मिल जाएगा, एक्वा के लिए भी आपको यहाँ पर पॉइंट दिए गए। इस वाले वॉल पे अगर आप देखेंगे तो लाइट और फैन के लिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, फ्रिज के लिए भी आपको यहाँ पर ही पावर पॉइंट दिए गए हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा विंडो, प्लस आपको यहाँ पर मिल जाएगा बालकनी मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर वाटर कनेक्शन एक आपको दिए गए हैं, प्लस आपको पावर पॉइंट भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं जो कि आपका वॉशिंग मशीन के लिए रहेगा। किचन में आपको ग्रिल लगा हुआ ही मिल जाएगा, तो एक पैसा आपका सेव हो गया। इस तरफ अगर आप आएंगे, इस तरफ आपको मिल जाएगा वॉश बेसिन वॉल टू वॉल, यहाँ पर आपको बीम बॉटम लेवल तक टाइल्स लगाकर दिए गए हैं। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस मिल जाएगा, 500 लीटर का टैंक आप इजीली रख सकते हो। नीचे आपका मिल जाएगा बाथरूम, देख लीजिए ये आपका बाथरूम हो गया। अच्छा खासा साइज आपको बाथरूम में भी मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 फीट ऐसे है, और ऐसे में आपको 1, 2, 3, 4 फीट ऐसे 5x4 का यहाँ पर आपको दिए गए हैं आपका बाथरूम। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगा कर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरफ आपका विंडो रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टॉयलेट को, जो कि काफ़ी सारे लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है वेस्टर्न, तो यहाँ पर आपको मिल गया है वेस्टर्न। 1, 2, 3, 4, 5 ये भी आपका 5 फीट ऐसे है, और ऐसे में आपको 3 फीट के आसपास मिलेगा एज इट इज़। यहाँ पर भी वॉल टू वॉल टाइल्स लगाकर दिए गए हैं, इस तरफ आपका बड़ा सा विंडो रहेगा। अब हम चलते हैं मेन वाला जो कि है हमारा बेडरूम। इस तरफ अगर आप आएंगे तो बड़ा सा आपको मिल जाएगा बेडरूम, बड़ा कार्पेट एरिया। 1 BHK का फ्लैट चाहिए तो आप इस वाले प्रॉपर्टी पे विजिट कर सकते हो। एरिया बहुत ही बिग साइज का है, 650 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया का फ्लैट है। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 यानी कि ये 12 फीट ऐसे लंबाई में आपका 12 फीट है, 12 फीट से भी ज्यादा होगा, क्योंकि इस तरफ अगर आप देखेंगे प्रॉपर आपको यहाँ पर वॉल रूफ के लिए स्पेस दिए गए, देख लीजिए
प्रॉपर ये वर्ल्ड रूफ का एक स्टेप आप कह सकते हो, ये नीचे से मैं ऊपर है एक स्टेप, ये पूरा आपको 1.5 फीट का आसपास ये पूरा वर्ल्ड रूफ के लिए आपको स्पेस आपको मिल जाएगा। बेड लगा कर भी आप वर्ल्ड रूफ यहाँ पर सेट करके भी बाकी का बहुत सारे एरिया आपको यहाँ पर यूज करने के लिए मिल रहा है। सीलिंग आप देख लीजिए, यहाँ पर एक आपको फैन लगाकर मिल जाएगा। जो चीजें आप देख पा रहे हो ये चीजें ये लेके जाने वाला है, बाकी फैन जो छोटा मोटा चीजें वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा फ्रेंच विंडो, प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा बालकनी। बेडरूम में बालकनी है, किचन में बालकनी है, और लिविंग में आपका ओपन टेरेस रहेगा। बाहर का व्यू देख लीजिए कुछ इस तरीके का, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे फोल्ड कर देता हूँ, आप देख सकते हो बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का रहेगा। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी अगेन G+7 का कॉम्प्लेक्स है, एमिनिटीज भी सारे दिए गए हैं, स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, जिमनेशियम, पार्किंग के लिए स्पेस है, और 24 घंटे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी अवेलेबल रहता है, और स्टेशन से 5 to 7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में है ये प्रॉपर्टी। नेरल में है प्रॉपर्टी, जिन्हें नेरल के बारे में नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए है, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तालुका कर्जत स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। एक और इन्फॉर्मेशन सभी लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपके पास 17 लाख का, 16.5 लाख का, 18 लाख का बजट है तो भी आप दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। 1 BHK आपको मिल जाएगा 16.5 लाख, 17 लाख, 18 लाख, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में अगर आप घर देख रहे हो वो भी रेडी टू मूव में, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप देख रहे हो 2 BHK 24 लाख, 25 लाख, 26 लाख का बजट में तो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप कहेंगे विथ ऑल एमिनिटीज के साथ में स्विमिंग पूल के साथ में लिया जाए एक 2 BHK फ्लैट जिसका कॉस्ट हमें पड़े 27 लाख, 28 लाख, 29 लाख तक, फ्लैट का काफी सारे एरिया है, अलग अलग एरिया अलग अलग प्राइस में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस वाले फ्लैट का जो कीमत है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसका जो आस्किंग प्राइस है 21 लाख विद रजिस्ट्रेशन प्राइस है, इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। फ्लैट का साइज काफी बड़ा है 650 स्क्वायर फीट का, बाकी का आप देखते हैं 575 550 उसका नॉर्मली 17.5 17 18 का आसपास रहता है, लेकिन इसका एरिया बड़ा होने के कारण और एमिनिटीज ज्यादा होने के कारण आपको यहाँ पर 21 लाख तक देना पड़ेगा विच इज नेगोशियबल। तो फ्लैट कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इस फ्लैट को आप बाय करना चाहते हो तो सैलरी अप्रोक्स आपका होना चाहिए 27,000 के आसपास आपका सैलरी होना चाहिए, तभी जाके आप इसे 90% तक बैंक लोन ले सकते हो। 27 से ज्यादा सैलरी है तो आप 95% भी बैंक लोन ले सकते हो। बिल्डिंग टाइटल पूरा क्लियर है, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग का OC भी आ चुका है, लिफ्ट भी है इस बिल्डिंग पर, और काफी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए भी आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आज की प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को पसंद आएगा। आपके मन में कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, मैं पूरा कोशिश करूंगा आप सभी लोगों को रिप्लाई देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।